बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटे दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं और काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग एंडिंग की ओर हैं, समापन की ओर पर हैं। आज की क्लास में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं उसे कहेंगे भाषा विकास। भाषा विकास का जो हीरो है वो नाम चोमस्की का नाम आता है। नाम चोमस्की नहीं, इनका नाम ही है नाम चोमस्की, ठीक है, नाम चोमस्की, ठीक है। तो भाषा विकास का जो हीरो है नाम चोमस्की है। यहां से प्रश्न अगर मैं आपको केवल नाम चोमस्की के बारे में पढ़ा दूं तो भी आपके प्रश्न सीटेट में मिल जाएंगे। 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको सीटेट में प्रश्न नाम चोमस्की से मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा भाषा विकास पर करेंगे, ठीक है। जो जरूरी चीजें हैं उस पर चर्चा हम लोग करते हैं और जल्दी से आपको एक टॉपिक और कंप्लीट कराते हैं। हमने कहा जो भाषा विकास है, पहला शब्द है भाषा। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात भाषा का अर्थ भी होगा, भाषा का अर्थ भी होगा बोलना, ठीक है। भाषा का अर्थ भी क्या होगा? बोलना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। देखिए गार्डनर ने क्या कहा, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों की आवश्यकता होती है, जैसे क, ख, ग, ये सब प्रतीक हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिले हुए रूप को भाषा कहते हैं। चोमस्की, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, चोमस्की का नाम जहां भी आएगा आप सतर्क हो जाइएगा। नाम चोमस्की भाषा विकास परिपक्वता वृद्धि का परिणाम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हमारे स्वर तंत्रिकाएं डेवलप होती हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर भाषा विकास भी होने लगता है, ठीक है। तो सीधे सीधे चोमस्की ने कहा कि हमारी परिपक्वता का ही परिणाम है भाषा। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा कि भाषा को समझने के लिए भाषा की दो स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा, एक पूर्व की स्थिति को और एक बैकवर्ड स्थिति या पश्च स्थिति को आपको समझना है। हमने कहा जो पहली स्थिति है उसे हम बोलने की तैयारी कहते हैं, जिसमें लगभग 4 चरण आते हैं, और दूसरा है वास्तविक भाषा जिसमें लगभग 5 चरण आते हैं। इस प्रकार भाषा विकास 9 चरणों में पूरा होता है। इस प्रकार जो भाषा विकास है वो कितने चरणों में पूरा होता है? 9 चरणों में पूरा होता है, 4 और 5 में। आइए इसे हम देखते हैं कैसे ये 4 और 5 में है। ये देखिए पूर्व भाषा विकास और पश्च भाषा विकास। जो पहला है मतलब 4 तक, 1, 2, 3 और 4, यहां तक हम लोग, ठीक है, पहली भाषा मतलब पूर्व की भाषा या बोलने की तैयारी को आएंगे। फिर इधर हम जब बढ़ेंगे तो ये सेकंड पार्ट का हिस्सा है, ये पश्च भाषा का हिस्सा है। जो पहला है उसे हम क्रंदन कहते हैं, रोना कहते हैं। दूसरा बबलिंग, तुतलाना, जब ऐसे बोलता है बबलाना, बबलिंग। फिर हाव भाव आता है, फिर आता है सांकेतिक अभिव्यक्ति। ध्यान रखिएगा ये 4 लाइनें, एक सबसे पहला क्या है, क्रंदन। दूसरा क्या है, बबलिंग जिसे हम बलबलाना भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हाव भाव, सॉरी तीसरा हाव भाव, और जो चौथा है उसे हम कहते हैं सांकेतिक अभिव्यक्ति। जब इशारा करके बात करता है, किसी चीज को मांगता है, लेने की कोशिश करता है, ये 4 चरण स्टार्टिंग फेज हैं या बोलने की तैयारी में आते हैं। जो 5वां चरण है, 5वें से लेकर के 9वें चरण तक है ना, देखिए 5वें से लेकर के अब ऐसे बढ़िए 9वें चरण तक, ठीक, ये इस टाइप से, ठीक है। तो 5वें से लेकर 9वें चरण तक हम अंतिम में आते हैं या पश्च भाषा विकास में आते हैं, जिसे वास्तविक भाषा भी कहते हैं। इसमें भाषा को समझने लगता है, भाषा अवबोध, फिर शब्दावली का निर्माण करने लगता है, वाक्य का निर्माण करने लगता है, उचित उच्चारण करने लगता है, और अंततः भाषा पर अपने स्वामित्व या अधिकार प्राप्त कर लेता है। सब कुछ उसे समझ में आने लगता है, लाखों शब्दों का प्रयोग करने लगता है। देखिए पहले स्टेज में क्रंदन है, बलबलाना है, हाव भाव है और सांवेगिक अभिव्यक्ति है। क्या इसके स्टेजेस हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खूब आराम से आप इसके बैठ करके पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि लगभग 15 महीने के बाद उसके अंदर दूसरी स्टेज चालू हो जाती है। भाषा अवबोध का मतलब क्या है, शब्दावली निर्माण का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। भाषा अवबोध भाषा विकास के पश्च अवस्था की पहली अवस्था है। ध्यान रखिएगा,
हमने कहा था कि भाषा का विकास दो अवस्थाओं में होता है, एक अग्र अवस्था में, एक होता है पश्च अवस्था में, ठीक है। इसे हम स्टार्टिंग कह सकते हैं, इसे हम एंडिंग कह सकते हैं। तो जो एंडिंग है, जो पश्च अवस्था है, बैकवर्ड स्टेज है, उसकी जो सबसे पहली अवस्था है उसे कहेंगे भाषा अवबोध। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी स्टेज क्या है? शब्दावली निर्माण। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टेज तक हो गया। तीसरी स्टेज क्या है? वाक्य संगठन। तीसरा है सही, चौथा है सही उच्चारण, और पांचवा है स्वामित्व। तो आपने इस प्रकार से देखा कि नौ स्टेजेस की चर्चा हमने किया। नौ स्टेजेस कौन कौन से देख लीजिए लगातार। एक है क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, सामवेगिक अभिव्यक्ति, ये चार पहले के हो गए, पहली स्टेज के। फिर है भाषा अवबोध, शब्दावली निर्माण और वाक्य संगठन, सही उच्चारण और भाषा स्वामित्व। ये पांच जो हो गए वो पश्च भाषा विकास के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। अंतिम क्या है? भाषा पर स्वामित्व प्राप्त कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मिथ के अनुसार ये मैंने आपको कुछ शब्द भंडारण बताए हैं, किस उम्र में कितना होता है, इसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे देख लीजिए, और बहुत याद करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। फिर भी मैंने आपको दिया है, अगर आपको लगता है कि हम याद कर सकते हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा है जिसे आपको समझना है। नोट पॉइंट क्या है? किशोरा अवस्था में कोड लैंग्वेज या गुप्त भाषा का विकास होता है, अर्थात इशारे में बात करना, है ना, दोस्तों को बुलाने के लिए बस ऐसे कर देना क्रिकेट खेलने के लिए, या कोई और संकेत प्रयोग करना कि कोचिंग चलना है, कोचिंग चलना मतलब मैच खेलने चलना है, इस टाइप की जो भाषा होती है कोड लैंग्वेज गुप्त भाषा, वो किशोरा अवस्था में विकसित होती है। इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा, बाकी चीजें आपको याद हो या ना हो, ठीक है। किशोरा अवस्था में कोड लैंग्वेज या गुप्त भाषा का विकास होता है। देखिए भाषा के जो स्तर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है भाषा के स्तर। सबसे पहला है स्वनिम, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है? स्वनिम या ध्वनिग्राम। दूसरी क्या होती है? रूपिम। तीसरा होता है वाक्य विन्यास, और चौथा होता है अर्थ विन्यास। इसके सही क्रम को भी प्लीज आप याद रखिएगा। इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले स्वनिम, फिर रूपिम, फिर वाक्य विन्यास, फिर अर्थ विन्यास। ये चार स्तर होते हैं भाषा के। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा के स्तर में। फिर देखिए नोट पॉइंट, भाषा सीखने की विधियां, हम अगर अपने बच्चे को भाषा सिखाना चाहते हैं तो किस रूप में भाषा सिखाएंगे? सबसे पहली बात, उससे बातचीत करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, उसे कहानी सुनाना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, उसके साथ प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए, और बालक अनुकरण करके भाषा को सीखता है। शुरुआत तो यही से होती है, अनुकरण के द्वारा ही उसके अंदर भाषा का विकास होता है। जैसे उसकी फैमिली के मेंबर शब्दों का यूज करते हैं वैसे वैसे वो भी यूज करना सीख जाता है, अर्थात अनुकरण के द्वारा ही भाषा विकास प्रारंभ होती है बालक में। अब देखिए सीसोर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार शब्दों को बताया कि किस आयु में, चार वर्ष में, पांच वर्ष में कितने शब्द भंडारण या शब्दों का कलेक्शन उसके पास हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हमने कहा थॉमसन और लिप्सिट के अनुसार क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैंने पहले भी कह दिया है ऐसा कोई प्रश्न सीटेट में नहीं पूछा गया है, न पूछा जाएगा किसी के अकॉर्डिंग कितने शब्द होने चाहिए, है ना। तो फिर भी मैंने आपको दे दिया है, अगर आप चाहते हैं याद करना तो आप याद कर सकते हैं। चलिए अब देखिए भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांत को पढ़ना आवश्यक है। ये भाषा विकास का सिद्धांत एग्जाम की दृष्टि से ठीक है इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, साहचर्य का भाषा विकास, साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत ये कहता है जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं क से कबूतर, तो क से कबूतर, ये जो कबूतर है किसी वस्तु के साथ हम क को जोड़ते हैं ताकि क की जो स्मृति है उसके दिमाग में कबूतर के रूप में स्थित हो जाए। अनुबंधन का सिद्धांत इसी से संबंधित है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस टाइप से। स्वयंत्र परिपक्वता का सिद्धांत, अर्थात जब छोटा बच्चा होता है तो उसके जो यंत्र होते हैं, स्वर के अंग होते हैं, गला हो गया, जीभ हो गया, ये सब विकसित नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए वो कोयल को तोयल कहता है, मतलब तुतलाने के भाव उसके अंदर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषा विकास बालक में उसकी मैच्योरिटी के साथ संभव है, बचपन में ही संभव नहीं है, क्योंकि उसके जो स्वर यंत्र होते हैं वो ठीक है अपरिपक्व होते हैं। धीरे धीरे जब वो परिपक्व होने लगते हैं तो वो कोयल को कोयल कहने लगता है, तोयल अब नहीं कहता है।
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, तो आपको यहां एक पढ़ना है केवल ये, लेकिन नाम सबके जानने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत की। चॉम्स्की ने एक किताब लिखा जिसका नाम था सिंथेटिक स्ट्रक्चर। चॉम्स्की ने एक किताब लिखा जिसका क्या नाम था? सिंथेटिक स्ट्रक्चर। इस किताब को कब लिखा था? 1957 ईस्वी में। और दूसरी किताब उन्होंने एक और लिखा, एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, 1965 ईस्वी में। उन्होंने बताया, दो बातें ध्यान रखना इनके चॉम्स्की के बारे में, आपको दो बातें याद रखना है, एक जनरेटिव ग्रामर और एक सार्वभौमिक ग्रामर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमने कहा कि भाषा व्यवहार की क्षमता को जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में माना, भाषा की सृजनात्मकता पर बल दिया। इन्होंने कहा जो भाषा शब्द है वो जन्मजात होती है, बालक के अंदर, बालक में वाक्यों को क्रम में रखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसी को चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर कहा। सिंपल सी भाषा में समझिए, इन्होंने बताया कि जो बालक होता है वो जन्म से ही शब्दों को अरेंज करना सीखता जानता है, उसके अंदर इतनी योग्यता होती है कि वो सेंटेंसों को कैसे बोलना है जन्म से ही उसके अंदर होता है, कोई उसे सिखाता नहीं। इसी शब्द को इन्होंने क्या कहा? जनरेटिव ग्रामर। जिस शब्द के नीचे गाढ़ी अंडरलाइन किया हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जनरेटिव ग्रामर क्या है? बालक में जन्मजात क्षमता वाक्यों को सही से प्रस्तुत करने की। इन्होंने तीन नियम बताए थे। इन्होंने क्या बताया था? तीन नियम बताया था भाषा विकास से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चॉम्स्की ने भाषा विकास से संबंधित कितने नियम बताए? चॉम्स्की ने भाषा विकास से संबंधित तीन नियम बताए। सबसे पहला, भाषा के सामान्य सिद्धांतों को समझना, जिसे सार्वभौमिक ग्रामर कहते हैं। देखिए, सभी भाषा के कुछ तत्वों को उस संस्कृति के लोग खुद स्वतः समझते रहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के बातों को समझना, स्वनिम को समझना, ध्वनिग्राम को समझना, रूपिम को समझना, ये सब गुण उसके अंदर पहले से ही होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक ग्रामर, जिसे हर परिस्थिति में हर जगह का बच्चा स्वतः समझ सकता है, सार्वभौमिक ग्रामर। ठीक है, चलो अब देखो, वाक्य निर्माण प्रक्रिया को समझना, वाक्य कैसे बन रहा है इसको समझना, अमूर्त ज्ञान का पता लगाना, जब हम शुद्ध रूप का प्रयोग, मतलब भाषा का शुद्ध प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम अमूर्त चिंतन करते हैं, जितना हमारे अंदर भाषा का विकास होगा हम उतना अच्छे से किसी समस्या पर चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचना जो तुम्हारे सामने उपस्थित ना हो, किसी समस्या के बारे में सोचना। ठीक है, चलिए, तो ये तीन नियम किसने बताए? चॉम्स्की ने। संख्या जरूर याद रखिएगा, तीन। आगे बढ़िए, हमने कहा कि जो चॉम्स्की थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो एग्जाम का हीरो, एग्जाम का हीरो है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसे हम कहेंगे भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र की कॉन्सेप्ट किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया। इन्होंने कहा बालक के अंदर कुछ एक यंत्र टाइप का, मेमोरी कार्ड टाइप का दिमाग में होता है, जिससे वो भाषा को ग्रहण करता है ना, इनपुट के रूप में, फिर उसे अपने हिसाब से प्रोसेस में लाता है और फिर वाक्य का निर्माण करता है और लोगों की भाषा को समझने की क्वालिटी उसमें होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण या यंत्र, किसका फुल फॉर्म है? LAD का। तो LAD को उस कायदे से समझ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि LAD की कॉन्सेप्ट किसने दिया? नाम चॉम्स्की ने। LAD का फुल नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण। ठीक है, पहले वो किसी की भाषा को इनपुट के रूप में लेता है, फिर LAD के माध्यम से उसे प्रोसेस में लाता है, फिर अपने हिसाब से उसे प्रस्तुत करता है या उसी के हिसाब से लोगों की भाषा को समझता है। ये हमने आपको बताया भाषा विकास से संबंधित सबसे स्टार हेडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? LAD कहते हैं। अब देखिए, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक ये आपके सामने हैं, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि परिपक्वता भाषा के विकास में को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं वैसे वैसे भाषा विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता लोगों में पाई जाती है, कोई तेज बुद्धि का होता है भाषा जल्दी सीखता है, कोई मंद बुद्धि का होता है भाषा धीमे सीखता है। बुद्धि का भी असर होता है, कठिन कठिन शब्दों को प्रतिभाशाली जल्दी सीख जाता है, मंद बुद्धि का बड़ा धीरे से सीखता है। स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो जल्दी चीजों को सीखते हैं।
अगर हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वीक हैं, तो हमें चीजों को समझने में कठिनाई होती है। यौन विभेद का मतलब होता है कि लड़के लड़की में अंतर करना, इसका भी प्रभाव हमारे भाषा पर पड़ता है। पारिवारिक संबंध अगर हमारे परिवार के लोग अच्छे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भाषा विकास हमारे अंदर जल्दी हो जाएगा, है ना। हकलाने को मतलब जैसे परिवार में आर्थिक स्थिति कमजोर है, या कभी हमने बचपन में बच्चे को बहुत डरा दिया, उसके मानसिक स्थिति में सिकुड़नपन आ गया, तो उससे उसके अंदर हकलाने की स्थिति आ जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है हर चीज में, ठीक है। चलिए, भाषा विकास को हमने देखा प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा भी हमने किया। भाषा सापेक्षता परिकल्पना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बेंजामिन ली वेल्फ ने प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्लाइड में है तो आप देख सकते हो, मैंने ही रखा है। इन्होंने हकलाने के मुख्य रीजन बताए हैं, खराब स्वास्थ्य और गंभीर आघात हो सकता है, स्नायु रोग हो सकता है, मतलब जन्मजात, मानसिक अव्यवस्था हो सकती है, दिमाग संतुलन में ना हो, और असाधारण उत्तेजना, बार बार उत्तेजित हो जाना, ये सब किसका कारण है, हकलाने का कारण है। चलो ठीक है, तो आपने देखा कि हमने लगभग सारी चीजों को पढ़ा, मेन चीजों को, बस आप चौमस्की से संबंधित चीजों को याद रखिएगा, LAD को याद रखिएगा, जेनरेटिव ग्रामर को याद रखिएगा, सार्वभौमिक ग्रामर को याद रखिएगा, और भाषा के स्तर को याद रखिएगा, और भाषा के जो 9 क्रम हैं, 4 अग्र भाषा के और 5 पश्च भाषा के, उसको भी याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।